Hello guys, this lecture may we are going to talk about electrical potential energy and electric potential. Till date we have talked about electrostatic force and electrical field. Now in this lecture we are going to start with this. A small part is remaining from the electric field that we will complete in this lecture, and we will continue with the electric potential and electrical potential energy. So the overview of this lecture will be like, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क, ये वाला पार्ट रह गया था हमारा. देन वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. वी टॉक्ड अबाउट कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कैसे होती है ऑन इट्स एक्सिस एंड ऑन इट्स इक्वेटर. हम अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. उसके बाद वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. This will be the whole scope of today's lecture. So we'll start. Now, electric field due to a disk. Now, consider here is a disk. एक disk है. ये जो disk है, इस disk की radius r है. जो है, इस disk के axis पे एक point है P, जो x distance पे है. नाउ ये वाली जो डिस्क है, ये वाली डिस्क चार्ज डिस्क है. इस पे चार्ज है. इस डिस्क पे कंसीडर करके चलते हैं कि टोटल चार्ज क्यू चार्ज है. इस डिस्क पे टोटल चार्ज कंसीडर करके चलते हैं, क्यू चार्ज है, ठीक है. सो ये वाली जो डिस्क है, इस डिस्क पे क्यू चार्ज है. नाउ टोटल चार्ज ऑन दिस डिस्क इज क्यू. अब इस डिस्क के एक्सिस पे एक पी पॉइंट है जो एक्स डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर. मुझे इस P पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टुडेज लेक्चर कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस. सो सबसे पहले मुझे पता है कि ये जो डिस्क है, ये डिस्क पूरी चार्ज है. सो इस डिस्क पे टोटल चार्ज जो फैला हुआ है, आई नीड टू फाइंड आउट द चार्ज डेंसिटी. तो यहां पे जो भी चार्ज डेंसिटी होगी, दैट विल बी चार्ज पर यूनिट एरिया होगा, बिकॉज इट इज अ डिस्क. इसकी लेंथ पे नहीं होगा. लास्ट लेक्चर में हमने रॉड और रिंग के वक्त हमने चार्ज पर यूनिट लेंथ लिया था. यहां पे मुझे लेना पड़ेगा चार्ज पर यूनिट एरिया. सो चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर. ये तो मुझे समझ में आ गया. क्यू इज द टोटल चार्ज ऑन द डिस्क एंड पाई आर स्क्वायर इज टोटल एरिया ऑफ द डिस्क, ठीक है. अब द थिंग इज कि ये वाली जो डिस्क है, ठीक से देखना, ये वाली जो डिस्क है, इस डिस्क पे पूरा चार्ज है और यहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं. मुद्दा यह है कि यहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं. विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्स आर, ये जो है ये निग्लिजिबल नहीं है. मुद्दा यही है कि एक्स के कंपैरिजन में आर निग्लिजिबल नहीं है. इसका मतलब ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम है. ये कौन सी सिस्टम है? डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम है. डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम यानी ऐसे सिस्टम जिसमें मैं चार्ज जिस बॉडी पे है, उस बॉडी के डायमेंशन निग्लेक्ट नहीं कर सकता. तो यहां पे आई कैन नॉट निग्लेक्ट द डायरेक्शंस. सो मुझे अगर यहां पे कूलम्स लॉ अप्लाई करना है, तो मुझे क्या करना पड़ता है? मुझे छोटे छोटे चार्ज एलिमेंट्स लेने पड़ते हैं, और उन सारे चार्ज एलिमेंट्स को कलेक्ट करके मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकता हूं. तो जब हम रिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो रिंग में हमने क्या किया था? रिंग में हमने एक छोटा चार्ज एलिमेंट लिया था ऑन द लेंथ. रॉड जब हम बात कर रहे थे, तब भी हमने क्या किया था? टोटल रॉड के एक छोटे से पार्ट का एक छोटा सा चार्ज लिया था, चार्ज एलिमेंट. यहां पे भी हम वैसे ही करेंगे. अब यहां पे मुझे एक पार्ट इजी जाता है कि अगर मैं आर डिस्टेंस पे, सेंटर पर से आर डिस्टेंस पे जाके अगर एक रिंग कंसिडर करूं, अगर मैं एक रिंग कंसिडर करूं, तो ये वाली जो रिंग होती है, इस वाली रिंग की वजह से ये वाला जो P पॉइंट है, यहां पे मुझे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, ये मुझे पता है. मैं ये फाइंड आउट कर चुका हूं इन द लास्ट लेक्चर. लास्ट लेक्चर में मैं फाइंड आउट कर चुका हूं कि इस रिंग की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी. सो ये तो श्योर हो गया कि इस रिंग की वजह से यहां पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो इस डायरेक्शन में मिलेगी. हमें पता है लास्ट रिंग के वक्त हमने देखा है कि सिर्फ कॉस कंपोनेंट ऐड होते हैं और साइन कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कैंसल आउट हो जाते हैं. सो अब यहां पे ये वाली जो रिंग है, इस वाली रिंग को अगर मैं ठीक से देखूं, सामने से देखूं, तो मुझे वो वाली जो रिंग है वो दिखती है ऐसे, जिसकी रेडियस मैं अभी कंसीडर करके चल रहा हूं, स्मॉल आर. अब ये जो स्मॉल आर है, ये रिंग की रेडियस है. अब मैं क्या करता हूं, मैं काम करता हूं, ये वाली जो रिंग है, इस वाली रिंग को मैं कट करता हूं यहां से.
यहां से मैंने इस रिंग को कट कर दिया, अगर मैं यहां से इस रिंग को कट करके कट करता हूं और उसको स्ट्रेट करता हूं तो मुझे मिलता है ये वाला पार्ट। मैं ऐसे रिंग कंसिडर करके चल रहा हूं, आप ठीक से देखो, मैं ऐसे रिंग करके कंसिडर करके चल रहा हूं कि सेंटर पर से ये वाली जो रिंग है, इस वाली रिंग का रेडियस आर है, इस वाली रिंग का रेडियस आर है जो यहां पे मुझे दिखाई दे रहा है, और ये वाली जो रिंग है इस रिंग की विड्थ है डी आर, छोटी सी डी आर विड्थ है। यानी अब ये जो रिंग है इस रिंग पे टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज होगा सिग्मा चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑन दिस होल डिस्क मल्टीप्लाइड बाय एरिया, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ दिस रिंग। तो ये जो रिंग है इस रिंग का एरिया कितना होगा, अब यहां पे ठीक से देखेंगे तो ये रिंग एरिया होगा 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई डी आर, सो डी ए विल बी इक्वल टू 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई डी आर। ये एरिया इसलिए लगेगा क्योंकि मुझे इस रिंग पर का चार्ज निकालना है, सो टोटल चार्ज ऑन द रिंग विल बी सिग्मा इंटू डी ए विच इज नथिंग बट सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। यानी ये मिल गया डी क्यू इज चार्ज ऑन दिस रिंग, ये वाली जो रिंग है इस रिंग पे इतना चार्ज है। अब इस रिंग पे इतना चार्ज है तो इस रिंग की वजह से ये वाला जो पी पॉइंट है उस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो दैट विल बी के एक्स डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर रेज टू 3/2। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, सो लुक एट इट प्रॉपरली कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। इसका मतलब डी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल रिंग एलिमेंट ऑफ दिस होल डिस्क, सो ये के एक्स अपॉन डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अप रेज टू 3/2। यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू रख देते हैं तो आई विल गेट दिस वन, ठीक है। तो ये किसकी वजह से है, इस छोटी सी रिंग की वजह से, ये वाली रिंग की वजह से। तो क्या मैं ऐसे कंसिडर कर सकता हूं कि ये टोटल डिस्क जो है तो ये ऐसी वाली इनफाइनाइट रिंग से तैयार हुई है। सो अब मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये वाला जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू ऑल दीज इनफाइनाइट रिंग्स, यानी सारी की सारी जो इनफाइनाइट रिंग्स हैं उन सारी इनफाइनाइट रिंग्स की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो रही है यहाँ पे, उन सब का एडिशन इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डिस्क। तो मुझे कितने एडिशन करने हैं, तो मुझे इनफाइनाइट एडिशन करने हैं। तो इनफाइनाइट एडिशन करने के लिए मेरे पास एक टूल है, एंड दैट टूल इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। व्हाट इज दिस डी, डी यानी ऐसी सारी रिंग्स, ठीक है ना, ये जो हम कंसिडर कर रहे हैं ऐसी सारी रिंग्स को अगर मैं एडअप कर, सारी रिंग्स की वजह से जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी मुझे, उनको अगर मैं एडअप करता हूँ तो मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डिस्क मिलती है। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी, सो इंटीग्रेशन ऑफ डी की वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू डी की मैंने यहाँ पे रख दी। सो यहाँ पे देखोगे आप तो ये जो स्मॉल आर है ये हर रिंग के लिए अलग है, ठीक है। ये जो के है, के सारी रिंग्स के लिए सेम है, एक्स जो है यानी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये सारे रिंग्स के लिए सेम है, सिग्मा सिग्मा इज 4 क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये भी सारे रिंग्स के लिए सेम है, उसके बाद 2 पाई सारे रिंग्स के लिए सेम है, तो इसका मतलब ये सारा पार्ट बाहर आ जाएगा। सो यहाँ पे देखेंगे आप के एक्स सिग्मा इंटू पाई, ये पूरा का पूरा पार्ट बाहर आ गया, मैंने 2 को इंटेंशनली अंदर रखा है, क्योंकि अब देखिए आप इंटीग्रेशन को आप ठीक से देखोगे तो इंटीग्रेशन की वजह से आपको समझ में आएगा कि ये जो पार्ट है इस पार्ट में का अगर इंटीग्रेशन मुझे निकालना है तो यहाँ पे मुझे जो आर स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में होता है तो मैं इसे कहता हूँ परफेक्ट इंटीग्रेशन। यानी इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, सिर्फ ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है उसका इंटीग्रेशन निकालना है। सो ये मुझे मिल गया। सो इंटीग्रेशन आप ठीक से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैंने कैसे किया है। द थिंग इज कि यहां पे मुझे मिलेगा के एक्स, ये जो ये तो पहले से ही बाहर था और ये मुझे इंटीग्रेशन मिला। अब ये किसका इंटीग्रेशन है, आर का इंटीग्रेशन है। आप ठीक से यहाँ पे अगर ये वाला जो डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे जो स्मॉल आर है इज द रेडियस ऑफ रिंग, तो सबसे छोटी वाली जो रिंग होगी उसका रेडियस कितना होगा, 0, और सबसे बड़ी वाली रिंग इस डिस्क पे तैयार हो सकती है उसका रेडियस कितना होगा, आर। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर वेरीज फ्रॉम 0 to R, 0 to R तक वेरी होता है। सो इसके लिए 0 to R तक उसका लिया, मैंने पुट कर दिया सारी वैल्यूज और मुझे मिला ई इज इक्वल टू के सिग्मा पाए इन ब्रैकेट 1 माइनस x अपॉन 2 इन टू ब्रैकेट रेस टू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू 1/2। ये आप ठीक से करके देखो, ये आपको यही मिलेगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस होल चार्ज डिस्क, जिसपे कितना चार्ज था, क्यू क्यू चार्ज था, उसकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई।
देखो याद रखना कि ये पूरा का पूरा जो भी होगा, यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी थिंग अंटिल एंडलेस यू राइट, आपको समझ में नहीं आएगा एग्जैक्टली हुआ कैसे. सो ईच एंड एवरी स्टेप आप लिखो और अपने खुद के हिसाब से टैली करके देखो, ठीक है. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क. नेक्स्ट, अगर मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या होगा? तो अभी के लिए हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि देर इज, सॉरी, अभी के लिए हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि देर इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वाली जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक डायपोल रखूंगा, और ये डायपोल जो है वो डायपोल ऐसे रखा हुआ है सो दैट, सॉरी, ये वाला जो डायपोल है मैंने इस फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखा हुआ है. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट विल हैपन विथ इलेक्ट्रिक डायपोल इफ इट इज केप्ट इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है मैंने. अब यहां पे आप ठीक से देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट और एंडिंग अप एट दिस पॉइंट, ठीक है. तो यहां पे मैं ऐसे कंसिडर करके चल सकता हूं कि यहां पे इस तरफ कहीं पे तो दूर इन्फाइनाइट पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट इन्फाइनाइट डिस्टेंस. सो इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे यहां पे कहीं पे तो पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे कहीं पे तो निगेटिव चार्ज है. सही बात है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन द निगेटिव चार्ज. अगर ऐसे है तो इसका मतलब ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला डायपोल का पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस द फोर्स इन दिस डायरेक्शन एंड निगेटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स इन दिस डायरेक्शन, ऑब्वियसली. सो इन दोनों पे ऐसे फोर्सेस अप्लाई होंगे. अब होता ये है कि ये दोनों F1 और F2 जो है, F1 और F2 दोनों मैग्नीट्यूड के हिसाब से एग्जैक्टली सेम होते हैं. क्यों? क्योंकि वो सोर्स से एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे है, इन दोनों सेम डिस्टेंस पे है. दूसरी बात ये है कि ये वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स E इंटू क्यू होगा, ये वाला जो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स वो E इंटू क्यू होगा. हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू E इंटू क्यू, तो ये वाला जो फोर्स है ये E इंटू क्यू होगा. तो इसका मतलब इस पे कितना फोर्स होगा E इंटू क्यू, इस पे कितना फोर्स होगा E इंटू क्यू. इन दोनों पे लगने वाले फोर्सेस जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है एंड अपोजिट इन डायरेक्शन. इसका मतलब क्या होगा? F1 इज इक्वल टू F2, इक्वल अपोजिट है. सो इसका मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल कितना होगा? जीरो. नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल अगर जीरो है, इसका मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, हम उसे क्या कहते हैं? ये इलेक्ट्रिक डायपोल इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. ये वाला जो बॉडी है, ये डायपोल जो है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है. लेकिन लेकिन अगर आप F1 को देखोगे तो ये जो है वो डायपोल में क्लॉकवाइज रोटेशन तैयार कर रहा है. F2 को देखोगे तो वो भी क्लॉकवाइज रोटेशन तैयार कर रहा है. इसका मतलब बॉडी इज नॉट इन द रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है. बॉडी, ये जो बॉडी बॉडी इसका मतलब ये वाला जो डायपोल है, डायपोल के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो डायपोल जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है. इसका मतलब देर आर रोटेशंस, तो यहां पे रोटेशन तैयार करता है. तो F1 जो है वो भी रोटेशन तैयार कर रहा है, F2 भी रोटेशन तैयार कर रहा है. अगर दोनों रोटेशन तैयार कर रहे हैं तो ये किसके किसके अबाउट गोल घूम रहे हैं? तो O. कहाँ है O? O इज नथिंग बट सेंटर ऑफ डायपोल. O इज नथिंग बट सेंटर ऑफ डायपोल. तो यहां पे A पॉइंट B पॉइंट आपको ठीक से दिखाई दे रहा होगा. नाउ अब देखो आप कि मुझे पता है कि टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस. ये जो डिस्टेंस होता है, ये कौन सा डिस्टेंस होता है? तो ये डिस्टेंस जो होता है वो होता है डिस्टेंस ऑफ द फोर्स, डिस्टेंस ऑफ द फोर्स यहां पे लग रहा है फोर्स. सो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द ओ, वो भी कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये वाला डिस्टेंस. यहां पे भी इसका डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस. समझ में आ रही है बात? इसका मतलब आप ठीक से देखोगे तो टॉर्क क्रिएटेड बाय F1 कैन बी गिवन एज, ये ऊपर वाला पार्ट यहां पे देखो, तो टॉर्क क्रिएटेड बाय F1 कैन बी गिवन एज T1 इज इक्वल टू BD इनटू F1. ये BD है आपका, ये BD एंड यहां पे आपका F1 लग रहा है. ठीक से देखो, यहां पे आपका F1 लग रहा है, ठीक है, F1. सो BD इनटू F1. BD क्या है? BD इज नथिंग बट OB साइन थीटा. ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल अगर मैं थीटा कंसिडर करता हूं तो ये वाला भी एंगल थीटा हो जाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो OB साइन थीटा इंटू F1. अब ये जो OB साइन थीटा इंटू F1 है, विच कैन बी रिटन एज F1 इंटू OB साइन थीटा, ये वाला जो है, दिस इज एक्चुअली द टॉर्क क्रिएटेड बाय F1 इन द डायपोल अबाउट ओ. अबाउट ओ ये टॉर्क तैयार करता है F1 OB साइन थीटा. तो वैसे ही F2 भी तैयार करता है. सिमिलरली F2 कितना तैयार करता है? F2 तैयार करता है
माइनस एफ टू एओ साइन थीटा। अब ये वाला जो टाव है यहाँ पे, ये माइनस जो दिखाया है ये निगेटिव टॉर्क की वजह से नहीं है, ये एफ टू की वजह से है। सो एफ टू निगेटिव है ना, अपोजिट उल्टी डायरेक्शन में, इसलिए मैंने पकड़ा हुआ है। सो टाउ निगेटिव नहीं है, एफ टू निगेटिव है, इसलिए वहां पे माइनस साइन आया हुआ है। लेकिन डोंट वरी, बाद में वो माइनस साइन भी चला जाएगा। सो टाउ नेट टॉर्क क्रिएटेड बाय एफ वन एंड एफ टू इज नथिंग बट टाउ वन प्लस टाउ टू, विच इज नथिंग बट एफ वन ओ बी साइन थीटा माइनस एफ टू ए ओ साइन थीटा। अब आप यहां पे ठीक से देखो, ई क्यू इंटू ओ बी साइन थीटा, एफ वन क्या होता है ई क्यू, वैसे ही एफ टू इज इक्वल टू ई इंटू माइनस क्यू। ई इंटू माइनस क्यू क्यों, यहाँ पे माइनस है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो इट विल बी नथिंग बट ई क्यू साइन थीटा ब्रैकेट में ओ बी प्लस ए ओ। अब आप यहाँ पे देखो, ये है आपका ओ बी, ये है आपका ए ओ, टोटल मिला के क्या बनता है ए बी। सो इसका मतलब ई क्यू इंटू साइन थीटा इंटू ए बी। सो वट इज ए बी, ए बी इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द डायपोल। ए बी क्या है, लेंथ ऑफ द डायपोल है। अगर लेंथ ऑफ द डायपोल है तो इसका मतलब ई क्यू इंटू टू एल, ठीक है। सो टू एल इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे मुझे समझ में आ जाता है कि वट इज टू एल, क्यू इंटू टू एल डायपोल मोमेंट, सो इसका मतलब पी इंटू ई इंटू साइन थीटा। सो ये वाला टाउ का फॉर्मूला आ गया। अब पी इंटू ई इंटू साइन थीटा, अब पी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ई इज अ वेक्टर क्वांटिटी, साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन डायपोल मूवमेंट, ठीक है ना, एंगल बिटवीन डायपोल मूवमेंट एंड ई, ये वाला ई जो है और ये वाला डायपोल मूवमेंट, इसके बीच वाला जो एंगल है वही तो थीटा है। इसका मतलब टाउ बार इज इक्वल टू पी बार क्रॉस ई बार, ये वाला रिलेशनशिप मिलता है व्हेन अ डायपोल इज केप्ट इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कभी भी डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इट एक्सपीरियंसेस द टॉर्क, एंड दैट टॉर्क कैन बी गिवन एज डायपोल मोमेंट मल्टीप्लाइड बाय द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। सो वी गॉट दैट कि इलेक्ट्रिक डायपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इट गोज विथ टाउ बार इज इक्वल टू पी बार क्रॉस ई बार। नाउ यहां तक आ गए हम लोग, यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है एग्जैक्टली? सबसे पहले, उससे पहले भी मुझे पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट डज सम वर्क अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, तो अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में अगर ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम करता है तो वो जो भी वर्क डन होता है वो वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। नाउ कंसिडर कि एक चार्ज क्यू वन है, दूसरा चार्ज क्यू टू है, और वो दोनों चार्ज जो है वो एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इसलिए ताकि Q1 जो है वो Q2 पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है, Q2 जो है वो Q1 पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है। अगर आप कूलम्स लॉ का फॉर्मूला देखें तो कूलम्स लॉ के फॉर्मूला में आपको समझ में आ जाएगा कि Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, अगर आर इनफाइनाइट होता है तो फोर्स इज इक्वल टू जीरो। अब मैंने क्या किया, ये वाला जो Q2 चार्ज था, ये Q2 चार्ज टूवर्ड्स Q1 मैंने उसको धकेलना शुरू कर दिया बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो मैंने उसको फोर्स लगाया टूवर्ड्स Q1 और वो जाके बैठ गया इस पोजीशन पे। दिस पोजीशन इज नथिंग बट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम Q1, यानी आई हैव मूव्ड द चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू Q2। ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी टू Q2, इट इज वर्किंग अगेंस्ट द रिपल्शन फोर्स फ्रॉम Q1। Q1 के रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट ये काम कर रहा था। सो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय Q1 के अगेंस्ट काम कर रहा था, तो इसका मतलब ऑब्वियसली इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट टोटल वर्क डन, कितना वर्क डन उसने किया उतने वर्क डन के हिसाब से। अब यहाँ पे जब वो आर डिस्टेंस पे आ गया, आके बैठ गया, तो यहाँ पे उस पर फोर्स कितना लग रहा है, K Q1 Q2 upon R square। अब देखिए यहाँ पे अगर मुझे वर्क डन फाइंड आउट करना है तो इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट तक आने तक, इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट तक आने तक ऐसे तो नहीं था कि फोर्स कांस्टेंट था, फोर्स तो कांस्टेंट नहीं था। इसका मतलब ये वेरिएबल फोर्स का एग्जांपल है। अगर वेरिएबल फोर्स में अगर मुझे वर्डन फाइंड आउट करना पड़ता है तो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, छोटी से डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना
वर्क डन होता है ये फाइंड आउट करना पड़ता है, एंड देन आई हैव टू इंटीग्रेट इट विद द वेरिएबल फोर्स फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ऐसे करना पड़ता है। इसका मतलब नॉर्मल जब होता था तो अब हम क्या करते थे कि W इज इक्वल टू की वैल्यू कैसे करते थे हम, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी एस करते थे, सही है ना, एफ इंटू एस करते थे। सॉरी फॉर द, ठीक है ना, ये माउस से टाइप कर रहा हूँ सो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ये वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट होता था। अब हो रहा है ये कि यहाँ पे फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स कॉन्स्टेंट नहीं है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये कॉन्स्टेंट फोर्स के लिए, ठीक है, सो कॉन्स्टेंट फोर्स का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, तो मुझे क्या करना पड़ता है, मैं छोटे सा डिस्प्लेसमेंट करता हूँ। अभी मैंने क्या किया, ठीक से देखो, अभी मैंने किया कि क्यू टू को स्मॉल डिस्टेंस डी आर से मूव कर दिया, ये डिस्टेंस इतना छोटा है कि उतने डिस्टेंस उतनी डिस्प्लेसमेंट होने तक एफ की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ऐसे मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ। तो डी डब्ल्यू टू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम विथ डी आर डिस्प्लेसमेंट की अगर होगा तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी आर होगा। तो अगर इतना वर्क डन होता है टू मूव द ऑब्जेक्ट बाय डी आर डिस्टेंस, तो जब मैं क्यू टू को इन्फाइनाइट से आर पे लेके आया तो कितना हुआ होगा, तो क्यू टू से आर को यहाँ पे लेके आया तो इट इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ ऑल दिस डिस्प्लेसमेंट्स मल्टीप्लाइड बाय फोर्स, उनका रिस्पेक्टिव फोर्स। तो व्हेन वी मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, इट इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ ऑल दिस छोटे छोटे वर्क्स, ये छोटे छोटे वर्क्स यहाँ से लेके यहाँ तक जितने किए उन सारे वर्क्स का एडिशन है, सो विच इज नथिंग बट एफ इंटू डी आर। अब यहाँ पे एफ पता है मुझे, यहाँ पे एफ कितना है, के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर, तो यहाँ पे के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब डी आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू आर तक, यानी मैं कहाँ से लेके आया उसको, इनिशियल पोजिशन कहाँ थी उसकी, इन्फिनिटी, और फाइनल पोजिशन कहाँ थी, आर, तो वहाँ से वहाँ तक लेके आया मैं। सो मैंने उसको इंटीग्रेट किया तो आई गॉट माइनस वन बाय आर, मैंने वैल्यूज पुट कर दी तो मुझे मिला कि के क्यू वन क्यू टू इंटू वन अपॉन इन्फिनिटी माइनस वन अपॉन आर, माइनस था इसलिए उल्टा पलटा हो गया, इसका मतलब लोअर लिमिट पहले रखा अपर लिमिट बाद में रखा बिकॉज यहाँ पे माइनस था, ठीक है। तो मुझे वैल्यू मिली ये वाली, दिस इज द वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट ए डिस्टेंस आर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ क्यू वन, ये वर्क डन मिला, एंड दिस वर्क डन गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला जो वर्क डन होता है ये वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है। ये नेगेटिव वर्क डन यहां पे दिखा रहा है, ये नेगेटिव वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन मींस यू आर वर्किंग अगेंस्ट द पोटेंशियल अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, लेकिन जब कभी हम पोटेंशियल की एनर्जी के बारे में बात करते हैं वी आर गोइंग टू पुट इट इन द पॉजिटिव फॉर्म। सो यहां पे मुझे वैल्यू मिलती है उसकी के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज क्यू टू व्हेन इट इज मूव्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड और व्हेन इट इज मूव्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड बाय क्यू वन ऑन क्यू टू, ये पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी ये वाली जो है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसका एसआई यूनिट क्या है, जूल्स, उसका एसआई यूनिट है जूल्स, ठीक है। अब थोड़ा सा और एक थोड़ा सा अलग अलग वाला पार्ट करते हैं कि हाँ पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यहाँ पे हमने देखा कि एक ही चार्ज, लास्ट वाला जो स्लाइड था उसमें हमने देखा कि एक ही चार्ज था, अब एक चार्ज अगर मैं मूव करता हूँ तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, अगर दूसरा चार्ज मूव करता हूँ तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, जैसे ही मैं चार्जेस मूव करना शुरू कर देता हूँ तो हर एक चार्ज होता है अपनी पोटेंशियल एनर्जी लेके आता है, तो टोटल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मींस एडिशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस। इसका मतलब कंसिडर करो कि एक चार्ज मैंने सिस्टम में लाया तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी जीरो। क्यों जीरो होगी, बिकॉज ये किसी के अगेंस्ट काम करके नहीं आया है, अपना अपना आया हुआ है, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फर्स्ट चार्ज इज ऑलवेज जीरो। उसके बाद दूसरा चार्ज लेके आया मैं, वो चार्ज मैं लेके आया और उसको रखा आर वन टू डिस्टेंस पे फ्रॉम क्यू वन, यानी मैं क्यू टू चार्ज लेके आया क्यू वन से, उसको आर वन टू डिस्टेंस पे रखा, तो ये क्यू टू जो है वो क्यू वन के रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट काम करके आया, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी और वो कितनी होगी, यू टू इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन आर टू। अब आएगा तीसरा चार्ज, जब तीसरा चार्ज आया तो तीसरे चार्ज ने वर्क डन किया अगेंस्ट द फोर्स अप्लाइड बाय क्यू टू एज वेल एज क्यू वन, इसका मतलब क्यू वन की वजह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी और क्यू टू की वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। मैंने क्यू थ्री को रखा आर टू थ्री डिस्टेंस पे फ्रॉम क्यू टू और आर वन थ्री डिस्टेंस से फ्रॉम क्यू वन, तो यहां पे ये वाली जो एनर्जी उसमें स्टोर हुई, ये एनर्जी स्टोर हुई व्हेन इट बिकॉज इट हैज डन द वर्क अगेंस्ट चार्ज वन,
और ये वाली जो एनर्जी जो स्टोर हुई वो किसकी वजह से, बिकॉज इट हैज डन वर्क अगेंस्ट क्यू टू के फोर्स की वजह से, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी उसमें इतनी हुई। सो अब ये वाली जो सिस्टम तैयार हुई, इस टोटल सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी है, इट इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू वन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू टू, पोटेंशियल ऑफ क्यू थ्री, यानी टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी गिवन एज यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री, विच इज नथिंग बट दिस वैल्यू। तो अगर ऐसे एन चार्जेस होते हैं सिस्टम में, तो वो एन चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी इतनी, यू इज इक्वल टू के समेशन ऑफ आई इज लेस देन जे क्यू वन क्यू आई क्यू जे अपॉन आर वन जे, इतनी पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होगी। अब याद रखिएगा कि यहां पे मैंने क्यू वन लाया, क्यू टू लाया, क्यू थ्री उसके बाद लाया। अगर मैं सबसे पहले क्यू थ्री लाता, उसके बाद क्यू वन लाता, उसके बाद क्यू टू लाता, तो क्या फर्क पड़ता? सो याद रखना, रिमेंबर दैट टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर विथ विच द चार्जेस आर ब्रॉट इन टू द सिस्टम। इसका मतलब अगर मैं क्यू थ्री पहले लाता, उसके बाद क्यू वन लाता, उसके बाद क्यू टू लाता, तो भी टोटल पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम वुड हैव बीन सेम, इतनी ही होती। So, याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस, इंडिविजुअल चार्जेस, ठीक है। नाउ विल गो फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इजी वाला पार्ट है, बहुत इजी है। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी अगर एक चार्ज है क्यू, उससे आर डिस्टेंस पे मैंने क्यू टी चार्ज रखा, तो ये वाला जो क्यू टी चार्ज है उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? के क्यू टी अपॉन आर, ये हमने लास्ट एग्जाम्पल लास्ट स्लाइड में देखा है। तो What is electric potential? Electric potential is nothing but potential energy per unit charge. If you remember, मैंने आपको बताया था कि electric field, ये वाला जो parameter है, इसकी requirement क्यों आई थी? Because अगर मुझे एक charge को, उसकी properties को, उसके environment की properties के बारे में अगर मुझे बात करनी होती है, तो मुझे क्या करना पड़ता है? I have to deal with कि ये वाले जो charge है, वो वाला charge के properties के लिए मुझे दूसरे वाले charge पे dependent रहना पड़ता था। तो मुझे वो डिपेंडेंसी निकालने के लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरामीटर तैयार किया। यहाँ पे भी वैसे ही है, अगर मुझे एक पर्टिकुलर चार्ज जो होता है वो अपने अराउंड कितनी एनर्जी कंटेन करके रखता है, इसके बारे में अगर बात करनी है, तो मुझे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करनी पड़ती थी। लेकिन उसके लिए मुझे ये वाले क्यू टी पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था। ये निकालने के लिए आई हैव डिराइव्ड अ डिफरेंट पैरामीटर कॉल्ड एज पोटेंशियल। व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल? पोटेंशियल मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। यानी यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, मैं इसको अगर निकाल दूं और सिर्फ इस पॉइंट के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे अगर मैं 1 कूलम का चार्ज रखूंगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? के क्यू अपॉन आर। 2 कूलम का रखूंगा तो 2 के क्यू अपॉन आर। 3 कूलम का रखूंगा तो 3 के क्यू अपॉन आर। इसका मतलब अब यहाँ पे ये वाला जो टेस्ट चार्ज है, इसकी रिक्वायरमेंट ही खत्म हो गई। गेटिंग द पॉइंट? सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। और याद रखना कि पोटेंशियल इज प्रॉपर्टी ऑफ लोकेशन, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह से पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ लोकेशन। बस डिफरेंस ये है कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, एंड पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो बहुत सारे कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाते हैं इन द केस ऑफ पोटेंशियल। सो हम और थोड़ा सा बात करते हैं उसके बारे में, ठीक से देखो कि पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल याद रखना, पोटेंशियल मींस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हमेशा विथ रेफरेंस टू अ रेफरेंस पॉइंट ली जाती है। यानी जब कभी भी मैं कहता हूं कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट ए, इज नथिंग बट व्हाट इज द पोटेंशियल एट ए ओवर पोटेंशियल एट इंफिनिटी। यानी एब्सोल्यूट पोटेंशियल इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट एंड इंफिनिटी। इन्फिनिटी पे जितना पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल के ऊपर यहाँ पे जितना पोटेंशियल है, हम उसे क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट ए। क्या ये इसका मतलब ये है? क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि पोटेंशियल एट ए इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एट इन्फिनिटी एंड पोटेंशियल एट ए। अल्टीमेटली पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो, सो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट ए इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एट ए एंड पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। Similarly, potential at B will be potential difference between potential at infinity and potential at B. तो इसका मतलब अगर मैं point B से point A पे object को अगर move करता हूँ, तो can I say when the object is moved from B to A, there will be change in the potential energy, hence in the potential. इसका मतलब potential difference between B and A is nothing but potential
एनर्जी चेंज व्हेन इट इज मूव्ड फ्रॉम बी टू ए पर यूनिट चार्ज. सो इसका मतलब यहां पे मैं ऐसे कह सकता हूं कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू यू ए अपॉन क्यू माइनस यू बी अपॉन क्यू विच इज नथिंग बट यू ए माइनस यू बी इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम बी टू ए. इसका मतलब यहां पे मैं ऐसे कह सकता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज नथिंग बट वर्क डन टू मूव द चार्ज, वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम बी टू ए पर यूनिट चार्ज. वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव इट फ्रॉम बी टू ए इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी. नेक्स्ट आई कैन से दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, जैसे हमने लास्ट इसमें किया था, लास्ट स्लाइड में किया था पोटेंशियल एनर्जी की, कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो सकती है ऑफ अ सिस्टम. तो हमने किया था कि एडिशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ ऑल द चार्जेस. सिमिलरली पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर मैं यहाँ पे एक सिस्टम तैयार करके चलता हूँ कि यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, इन तीनों चार्जेस की वजह से यहाँ पे पहला चार्ज, यहाँ पे दूसरा चार्ज, यहाँ पे तीसरा चार्ज है, तो ये वाला जो लोकेशन है, ये वाले लोकेशन पे इन सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से कितना पोटेंशियल होगा. तो डिस्क्रीट मास सिस्टम, डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम अगर होगी तो यहाँ पे मुझे इसकी वजह से पोटेंशियल प्लस इसकी वजह से पोटेंशियल प्लस इसकी वजह से पोटेंशियल, ऐसे तीनों पोटेंशियल को बस ऐड करना है. डिस्क्रीट मास सिस्टम है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है तो मुझे क्या करना पड़ता है, एडिशन करना पड़ता है डी क्यू एलिमेंट लेके. इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हम करने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट. बस याद रखना कि डिस्क्रीट मास सिस्टम में तो हम समेशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम में तो मुझे इनफाइनाइट समेशन करना पड़ता है, सो आई हैव टू गो फॉर इंटीग्रेशन. सो दिस इज द पोटेंशियल. सो पोटेंशियल ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम, पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क्रीट मास सिस्टम, इसके डिफरेंट एप्लीकेशन हम देखेंगे. लेकिन याद रखना कि पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ पोटेंशियल्स ड्यू टू ऑल द चार्जेस अराउंड इट. नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इसकी में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. तो सिंगल वेरिएबल की वजह से, यानी यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज क्यू इज के क्यू अपॉन आर. तो अगर मैं दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट विथ आर कर दूँ तो मुझे क्या मिलता है, डी वी अपॉन डी आर इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. सो मुझे पता है कि व्हाट इज मीन बाय के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये तो देखा हुआ है. व्हाट इज दिस, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. इसका मतलब ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर. इसका मतलब ऐसे कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज क्यू. ये वाला चार्ज क्यू जो है उसके उससे डिस्टेंस के हिसाब से पोटेंशियल में कितना चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू its distance from the charge can be said to be electric field. So dv by dr is called as potential gradient. इसे क्या कहा जाता है, potential gradient. अगर यहाँ पे v is equal to इतना है तो ठीक है. electric field, अगर मैं electric field को थोड़ा सा अलग तरीके से अगर represent करूँ, ex, ey, ez, अगर ऐसे represent करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, then is equal to potential gradient in the direction of x, potential gradient in the direction of y, ठीक है, and potential gradient in direction of z. ये ऐसे मिलता है मुझे. So E is equal to dou v. ये वाला जो पार्ट है ये partial differentiation है, आपको होगा बाद में, अभी के लिए याद रखना कि उसको dou कहा जाता है. So dou v by dou x i plus dou v by dou y j plus dou v by dou z k. ये electric field मिलती है आपको. यहाँ पे ये ठीक से समझ लो कि E is a vector quantity in above method if the single variable is x and E comes out to be positive, then direction of E is towards positive axis. यानी अगर मैं E x पॉजिटिव कहता हूँ तो इसका मतलब टोटल E जो है उसका प्लस E वाले डायरेक्शन, प्लस x वाले डायरेक्शन में, सॉरी प्लस x डायरेक्शन में उसकी वैल्यू है, ठीक है, डायरेक्शन एक्स में उसकी वैल्यू है. सो वी कैन से दैट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, देन डायरेक्शन ऑफ ई टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस. नेगेटिव वैल्यू ऑफ ई मींस इन द नेगेटिव डायरेक्शन, इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस. सो यहाँ पे डोवी बाय डो एक्स, डोवी बाय डो वाई एंड डोवी बाय डो जेड, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन द ई एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. नेक्स्ट लेक्चर में हम पोटेंशियल जो होता है ड्यू टू डिफरेंट सिस्टम्स,
हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक से समझ लो ये वाले पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशनशिप के बारे में। सबसे बड़ा एडवांटेज पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स में ये होता है कि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाता है, कैलकुलेशंस ईजी हो जाते हैं। ठीक है, सो वील टॉक अबाउट द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ वी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।